ये देखिए दोस्तों, आज सुबह की शुरुआत मेरी हो चुकी है। मैं फिर से एक बार रनिंग के लिए, वॉक के लिए निकल गया हूँ। सुबह 5:30 बज गया समय। देखिए धुंध लगी हुई, थोड़ा क्लियर व्यू नहीं है आज भी, ये देखिए। और ये सामने आप देख रहे हैं बेताल घाट की तरफ, थोड़ा बादल लगे हुए हैं आज, ये देखिए। और हल्की सी धुंध है जिससे एकदम क्लियर व्यू नहीं है सुबह के समय, लेकिन मौसम बढ़िया है वॉक के लिए। ठंडी ठंडी हवा चल रही है कि आजकल चल रही है। गेहूँ कटाई लगभग पूरी हो चुकी है। यहीं रोड साइड पर गेहूँ रखा हुआ है, यहीं पर थ्रेसर आएगा और यहीं इसकी मड़ाई होगी। देखिए, हेलो नमस्कार दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों आज है 27 अप्रैल, दिन बृहस्पतिवार, और समय है सुबह 5:30 बजे का। मैं रोज़ की तरह एक बार फिर से आज निकल पड़ा हूँ मॉर्निंग वॉक पर। रनिंग भी कर रहा हूँ और वॉक भी। बेहद खूबसूरत मौसम है सुबह के समय का, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और देखिए चिड़ियाओं के चहचहाने की आवाज़ आप मेरे वीडियो में सुन पाएंगे। ये देखिए दोस्तों, सुंदर सा मौसम, और उसमें मॉर्निंग वॉक का मज़ा ही कुछ और है। और आज मैं हूँ एक नई रोड पर, सुबह के समय एकदम शांत रोड, ट्रैफिक जीरो एकदम। इस समय 7-8 बज गया, फिर इसमें ट्रैफिक चलेगा। बढ़िया एकदम रोड मॉर्निंग वॉक रनिंग के लिए। ये देखिए नीचे मोर और दूसरी चिड़ियाओं की आवाज़। तो दोस्तों आप लोग भी अपने आप को फिट रखने के लिए कोशिश करें कि मॉर्निंग टाइम में रनिंग के लिए, वॉक के लिए ज़रूर निकलें, जिससे कि आपको पूरा दिन एनर्जेटिक बना रहे। लगभग 30-40 मिनट अपने शरीर को ज़रूर दें, अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करें, एक अच्छी हेल्थी डाइट लें, उसके बाद फिर देखिए आप, आपका दिन कैसा एनर्जेटिक बना रहता है। तो दोस्तों मैं चलता हूँ आगे रनिंग की तरफ, देखते हैं आज मैं कितना लंबा जाता हूँ, वो आपको मेरे वीडियो के माध्यम से पता चल जाएगा। तो थोड़ा मैं दौड़ता हूँ अभी। ये देखिए दोस्तों, सूर्योदय से पहले का खूबसूरत सा व्यू, आसानोपुरी लालिमा, और अभी कुछ देर बाद इसी पहाड़ी से होगा सूर्योदय। देखिए है ना, बेहद खूबसूरत नज़ारा सुबह के समय का। ये देखिए दोस्तों, फाइनली मैं पहुंच चुका हूं उस जगह पे जो आज सुबह मैंने रनिंग से पहले तय किया था कि इस जगह आज मैं वॉक करते हुए, रनिंग करते हुए जाऊँगा। तो मैं हूँ बेताल घाट से अभी 6.5 किलोमीटर दूर, डंडेसारी गाँव के पास में। और ये देखिए यहाँ से कोसी नदी के किनारे गांव, खूबसूरत सा व्यू, लेकिन थोड़ा सा विजिबिलिटी क्लियर नहीं है आज, धुंध है ये देखिए। और जो सामने रोड दिखाई दे रही है, इसी रोड से मैं ऊपर आया हूँ, हल्की हल्की चढ़ाई ली हुई बेताल घाट से यहाँ तक। ये देखिए एक एथलीट को ठीक ठाक एलिवेशन भी इस रोड पर मिल जाता है। तो दोस्तों आज का लगभग मेरा वॉक रहेगा 13 किलोमीटर का, वॉक और रनिंग मिला करके। ये देखिए सूर्योदय भी हो चुका है ऊँची ऊँची पहाड़ी पर, देखिए आपको धूप दिखाई देगी। तो अब मैं यहीं से वापस चलूँगा बेताल घाट की तरफ। तो दोस्तों बड़ा ज़बरदस्त सुबह के समय का ये माहौल, और इस अच्छे माहौल में रनिंग वॉक करने का मज़ा ही कुछ और है। बिल्कुल भी थकान का एहसास नहीं होता है, सुनसान सड़कें जरूर हैं लेकिन वॉक का कुछ अलग ही मज़ा है। तो दोस्तों आप लोग भी निकलें अपने आप को फिट रखने के लिए। ये देखिए डंडेसारी गाँव, बेहद खूबसूरत। तो अब मैं चलता हूँ वापस बेताल घाट की तरफ। तो दोस्तों ये था मेरा आज का लगभग 13 किलोमीटर का वॉक और रनिंग। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।